जी, मेरा नाम डॉक्टर महरीन भुट्टो है और मैं खैरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं ख़वातीन की मखसूस नशस्त पे इलेक्ट होकर आई हूँ, जीत कर आई हूँ और ज़िला खैरपुर में मेरे सबसे ज़्यादा वोट थे और समाजी हवाले से भी मैं काफ़ी सालों से काम करती रही हूँ इस समाज के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर पर। तो डॉक्टर बनने के बाद मेरी तिबी जो मेडिकल की तालीम है, उसके बाद जब ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आने वाला था या इसकी सारी जो शुरुआत हो रही थी, तो उस वक्त ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में अगर किसी को अपने आवाम की खिदमत करनी है या अपने आवाम के लोगों का साथ देना है तो रास्ता कोई भी हो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। असली बात यही होती है कि आप लोग अपने लोगों की किस तरह से मदद करना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल था कि ज़िला कौंसिल की सीट पे आके मैं इस मुकाम पे आकर अपने लोगों के लिए जद्दोजहद कर सकती हूँ। मखसूस सीटों पर तकरीबन 35 हमारे मेंबरान काम कर रहे हैं, जिसमें 25 ख़वातीन और औरतें हैं हमारी, जो कि इस जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तक इस सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम लोग बुनियादी तौर पर नाकाम रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक साल गुजरने के बावजूद, या मैं समझती हूँ कि औरतों के लिए जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हमारी ख़वातीन या औरतें बहुत पीछे हैं। आप इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें कि अभी तक हमारे इलाकों में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, जैसा कि एक बुनियादी तौर पर स्कूल होना चाहिए, बुनियादी तौर पर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बुनियादी तौर पर हमें अपने रोज़गार की ज़रूरत है और इसके अलावा बुनियादी तौर पे हमें चाहिए हमारी बिजली होगी, स्वी गैस होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन पे बहुत इफ़ेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो कि मखसूस नशस्तों पे आईं, उनमें हारी और मज़दूर की भी ख़वातीन शामिल थीं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये ख़वातीन किस तरह से सिंध से वाबस्ता होने के बावजूद किस मुश्किलों से और जद्दोजहद से इस सीट्स के लिए उन्होंने अपने घरों से इजाज़तें ली होंगी। हमारे मर्दों का बहुत ज़्यादा औरतों पर प्रेशर होता है कि आप लोग ख़वातीन जो हैं वो एक लिमिट तक रहें। लिमिट की मुराद ये है कि आप सिर्फ अपने घरों में बच्चों को पालें, आप सिर्फ खाना पकाएं या बच्चा पैदा करने की मशीन, बहुत आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए। तो ये जब ख़वातीन इस लेवल तक आई हैं तो मैं समझती हूँ कि इस गवर्नमेंट को उन ख़वातीन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जो कि इस निज़ाम का हिस्सा बनी हैं और अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करना चाहती हैं। और मैं ये समझती हूँ, डॉक्टर महरीन भुट्टो ने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कहकर लोकल गवर्नमेंट की सतह पर सियासत में शमूलियत इख्तियार की। उनका ख्याल है कि मुल्क में अच्छे डॉक्टरों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सियासी ओहदों पर अच्छे अफराद कम ज़रूर हैं। वो औरतों की घरों से निकलकर सियासी मैदान में शमूलियत की हामी हैं, क्योंकि उनके नज़दीक मुआशरे की खातिर ख्वाह तरक्की की जानिब ये ज़रूरी कदम है। जो प्लान लोकल गवर्नमेंट्स का था ये एक निचले तबके तक के लिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। इनकी प्लानिंग्स में निचले तबके तक के लोगों के लिए वो सहूलियात अभी तक उन्होंने मैसर नहीं की हैं। इनके प्लानिंग में पहले से ही था कि हम लोगों ने सिर्फ नाज़मों को देना है और बाकी जो काउंसलर्स हैं वो आएँगे वो सिर्फ सपोर्टिव होंगे, लेकिन जो बेसिकली सारी चीज़ें मिल रही हैं वो नाज़मों तक ही महदूद हैं। काउंसलर्स के लिए कोई चीज़ इन्होंने या कोई सहूलत अभी तक नहीं दी है। बज़ाहिर तो ये सिस्टम एक डेमोक्रेसी और जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन अभी तक अमलन तौर पे मैं नहीं समझती कि ये जमहूरी तौर पे कोई अमल कर रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस सिस्टम को जमहूरी तौर पे लाया जाए और जिस लेवल से, जिस तरह से आपने निचले तबके को ऊपर उठाया है, आप उनको उसी तरह से सपोर्ट करें। और जो आपने उनके दिमाग में ये बातें बिठाई थी कि भाई आप लोगों के पास इख्तियारात होंगे, अपने लोगों के लिए आप लोग ख़ुद जद्दोजहद कर सकेंगे, अपने हाथों से आप उनकी सपोर्ट और मदद कर सकेंगे, तो आप ये चीज़ें अमली तौर पे भी उनके लिए करें, लेकिन अभी तक हमें ये सब कुछ नज़र नहीं आया। बैतुल माल और ज़कात तो आप ये समझ लें कि हम लोगों को एक भिखारी बनाया जाता है, मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ।
तो मैं मेरी तो ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हम लोगों की आप मुल्की सूरत हाल देखें और ज़कात और बैतुल माल को बंद करें, ये सारे फंड जमा करके हर एरियाज़ में आप फैक्ट्रीज़ और ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। हम लोगों को दर दर जा के दरवाज़े पर जाकर मांगना ना पड़े कि भाई आप काउंसलर हैं हमें प्लीज़ ज़कात दिला दें, ज़कात नहीं दिला सकते तो चौकीदारी दिलवा दें, चौकीदारी दिलवा सकते तो आप हमें बैतुल माल दिलवा दें। आप ये समझें कि इन थोड़े थोड़े रुपए से जो कि 6 महीने में आपको 1,000 मिल जाता है, आजकल के दौर में कोई हैसियत नहीं रखते। आटा देख लें, चीनी, चावल, घी की कितनी महंगाई हो चुकी है, और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़कात और बैतुल माल की फ़ंडिंग जो है ज़ाया करने के बराबर है। तो हुकूमत को ऐसा प्लान करना चाहिए, ऐसी तरीके का अख्तियार करना चाहिए जो कि बुनियादी सहूलतें हम लोगों को मुहैया कर सकें और ख़ास तौर पर रोज़गार। और हम लोगों की जो माशी सूरत हाल है वो हमारे मुल्क के गरीब लोगों के लेवल पे होने चाहिए, उस हिसाब से होने चाहिए ताकि वो इन चीज़ों पे मजबूर ना हो कि वो क्राइम्स करें, जुर्म करें। और ख़वातीन आपको पता है कि उनको क्या क्या जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, चाहे वो इज़्ज़त वाली बात हो या वो ना हो। हमारी सोसाइटी में आप देखें कि औरत का क्या मकाम है, हम लोगों की औरतों को इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंध की एग्जांपल्स ले लें, वहाँ पे कारोकारी के इतने केसेस होते हैं, इतने केसेस होते हैं, औरतों को इस लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी जायदाद या ज़मीनों पे झगड़ा हो रहा है तो आप एक औरत को कत्ल कर दें और दूसरों पे कारों का इल्ज़ाम लगा दें कि भाई ये लड़का कारा है और इस खातून के साथ जो है उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आप उनकी ज़मीन और जायदाद पर कब्ज़ा कर सकते हैं। तो हमारी औरतों का ये मकाम भी है। हम आज तक 50 साल गुजरने के बावजूद ख़वातीन को, औरतों को इस जुल्म से नहीं छुड़वा सके। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस जुल्म से हम अपनी ख़वातीन को बचाएं और कम से कम इंसानियत के नाते हम उनकी इस लेवल पे मदद कर सकें, लेकिन अभी तक हम नहीं कर सके हैं। लोकल गवर्नमेंट के इस हिस्से में या जो उन्होंने कानून बनाया है उसमें ख़वातीन के लिए कोई ख़ास फंडिंग या उनको पावर नहीं दिए गए। आप यूनियन काउंसिल की, जनरल काउंसलर्स की बात करें तो उनके पास पावर्स नहीं हैं कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ कर सकें। वो जाएंगे अपने नाज़िम के पास, क्या आप अपने यूनियन काउंसिल के नाज़िम के पास जाके आप स्कीम्स लिखवा दें कि भाई हमारे रोड ख़राब हैं, हमारी नालियाँ ख़राब हैं, या हमारे पास डिस्पेंसरीज नहीं हैं, हमारे एरिया में प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो आप इनको सिर्फ नोट करवा सकें। और दूसरी बात ये कि एक औरत होने के हैसे से हम लोग उनके साथ बराबर हिस्से में शामिल तो हैं, लेकिन हमें वो एक औरत होने के हैसे से थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं बच्ची के छोड़ो, वो इतना ज़्यादा चीखेगी नहीं, अगर उसको थोड़ा सा डांट दिया जाएगा तो वो चुप करके बैठ जाएगी। लेकिन काफ़ी ऐसी जगहों पर हमारी ख़वातीन कुछ डिप्रेस हो जाती हैं, कुछ मायूस हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि लड़ती हैं, बाकायदा इजलासों में कहती हैं कि भाई अगर आप हमें नहीं देंगे तो हमें पता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, कि एक यूनियन काउंसिल के नाज़िम को कैसे उतारा जा सकता है। अगर कोई नाज़िम अपने काउंसलर्स को या ख़ास तौर पर ख़वातीन को इम्पोर्टेंस या उनको नहीं देता तो वो ज़िले नाज़िमा के सामने आके जुलूस लेके आ जाती हैं, गाड़ियाँ भरवा के आती हैं और कहती हैं कि भाई ये फ़लाना नाज़िम जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, ये हम जुलूस ले कर आए, ये 4 हम प्रेस वाले लेकर आए, आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम प्रेस में दे देंगे। तो आजकल जो हमारे सहाफ़ी हज़रात, जो हमारी प्रेस है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब वो दो लफ्ज़ अपने ख़िलाफ़ प्रेस में सुनते हैं तो फौरन जो है ना चौकिंदा हो जाते हैं कि नहीं भाई अब हमें उनकी बात सुननी चाहिए, और अगर हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हम सुन ही लें। वैसे तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, लेकिन उसके बाद वो सुनना ज़रा पसंद करते हैं। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि एक औरत होने की हैसियत से आपको इग्नोर किया जाता है। तो ये फैक्टर जो है, मैं उन मर्द हजरात को या इस सोसाइटी में रहने वाले उन मर्दों को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने घर की ख़वातीन को और जो बाहर निकलने वाली ख़वातीन हैं, एक तो उनको उसी हिसाब से देखें, वो इज़्ज़त दें ताकि वो आपके साथ शाना बशाना चल सकें। जो हमारे गांव में दूर दराज इलाकों में औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उधर अभी तक इस चीज़ का शऊर नहीं आया। ये जो हम लोग 33% आए हैं ये बहुत एक कम रेशियो है, मैं ये समझती हूँ। अभी तक हमारे मुल्क की आप ख्वानगी देखें या हमारे ख़वातीन और मर्दों का तनासुब देखें तो हम लोग इक्वल हैं। तो अभी तक ज़रूरत इस बात की है कि हमारी औरतें हर फील्ड में, हर जगह पे अपनी जद्दोजहद के लिए खुद आगे बढ़ें। अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें तो हम लोग तो
दौड़ में सबसे आखिर में हैं, हमारी ख़वातीन दौड़ में सबसे आखिर में हैं, लेकिन हम लोगों के अज़्म बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं, हम लोग जद्दोजहद का अज़्म रखते हैं। तो हम जब इस जद्दोजहद में शामिल हुए हैं तो हम अपनी काफ़िले को ले कर चलेंगे। हम लोग तो इस निज़ाम में अब अंदर आ चुके हैं, अब हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। आप ये समझ लें कि वडेरे और जो दूसरे हमारे पास यहाँ पे तबके हैं वो इस चीज़ में इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सके हैं। हमारा जो निचला तबका है वो इस सिस्टम में अब अंदर आ चुका है, और औरतें ख़ास तौर पर। मैं समझती हूँ कि ये ख़वातीन अब आई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी।